हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रही है, मारुति सुजुकी की बलेनो है। आपको पीछे दिखाते हैं, देख सकते हैं बलेनो। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका राइट साइड का जो शॉक एब्जॉर्बर होता है वह वीक हो गया है, जिसकी वजह से हम खोल रहे हैं इसे। थोड़ा गाड़ी को देख सकते हैं, एकदम लूज हो गया है, जो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है और खड्डे में आवाज़ आ रहा है। इसके वजह से हम शॉक एब्जॉर्बर खोलेंगे। तो खोलो शॉक एब्जॉर्बर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए हम खोलते हैं इसे, फिर आपको बताते हैं। टायर खोल दो। और इसके टायर में 19 नंबर की नट आती है, जो 19 नंबर के पाने से ही खुलती है। और उसके बाद दूसरा सॉकर में जो जो पाना लगेगा हम आपको पूरा डिटेल दे देंगे कि किससे खुलेगा और किस तरफ से खुलेगा। चार मिनट आती है। आपको सॉकर की हालत दिखा दे कैसी है। थोड़ा टायर आगे करो ना इधर। देख सकते हैं ये क्या कंडीशन हो गई है, जो कि इसकी रिफिल रोड होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया, ख़राब हो गई है, लीकेज हो गई है। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। खोलने के लिए आप देख सकते हैं ये बोल्ट है आपका, 17 नंबर का है। इधर इधर दो पाने से खुल जाएगा। और ये सेंसर का वायर है, इसको साइड में खाली आप क्लिक साइड कर सकते हैं, इसे दबा सकते हैं। देखिए हो गया साइड में। और स्टेबलाइजर लिंकेज भी आपको खोलना ही पड़ेगा। इसमें 14 नंबर का नट है और दूसरा 6 नंबर की एलंकी लगेगी आपके, जो बीच में अगर घूमेगा तो पकड़ना पड़ेगा आपको। वैसे थोड़ा सा पानी वानी या लिक्विड चीज़ कुछ भी लगा लें तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको खुल जाएगा। तो चलिए ऐसा हम खोल लेते हैं, बताते हैं फिर। और पीछे भी देख सकते हैं 12 नंबर की नट है यहाँ पे, ये भी खोलनी पड़ेगी आपको। चलिए ऐसा हम खोलते हैं। पीछे 12 नंबर का बोल्ट खोल दिए, पाइप का। हाँ खोल दिया। ये बलेनो डीजल पेट्रोल वर्जन है, मारुति की पेट्रोल कार है, ये डीजल नहीं है। आपको इंजन भी दिखा दूँ मैं, 4 सिलेंडर का इंजन है, देख सकते हैं आप। इग्निशन कॉइल लगा है 4 4 सिलेंडर हुआ। ये कैथलेटिक कन्वर्टर है। हालांकि कैथलेटिक कन्वर्टर के ऊपर भी हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे, बहुत ही यूनिक चीज़ है ये। इसके अंदर एक खास किस्म का मेटल निकलता है, तो वो सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें तोड़ेंगे पेंसिल भी कंट्रा। किसी गाड़ी का कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको बताएं क्या है कैथलेटिक कन्वर्टर और उसकी पूरी डिटेल देंगे। और सॉकर के लिए देख सकते हैं यहाँ पर भी 17 का बोल्ट है, इसको भी खोल देना है। अगर यहाँ पर भी घूमता तो आप 6 नंबर के लंकी लगा के बीच में लॉक कर सकते हैं रिफिल को। हालाँकि ये घुमा तो नहीं हमारा, हम आराम से खोल लीजिए इसको, हम बाहर निकालने वाले हैं। हाँ तो ये सॉकर खुल गया हमारा, निकालो इसको। ऊपर का हमने बोल्ट खोल दिया और नीचे से भी खोल ही दिया है नट। राइट बोल्ट स्लिप कर देना, आपको हल्का से उठा कर निकालो, निकल जाएगा। सॉकर को ना नीचे से निकालो, कोई आराम से निकलता है। निकालो, इधर लेके आ जाओ इसको, रखो यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं फाइनल निकाल दिया इन्होंने। गाड़ी जिसने चलाया बहुत ही रफ यूज किया है, हालांकि ऐसी कंडीशन हो गई तो भी ये चला चलाई किए हैं, इतना भी गैर नहीं बनना चाहिए, गाड़ी का ध्यान रखना चाहिए आपको। चलिए नया शो कर लो, ये पड़ा इधर।
तो आप देख सकते हैं मारुति का है ओरिजिनल, और आपको प्राइस एक बार शेयर कर दूँ क्योंकि प्राइस तो हम हर वीडियो में ही शेयर कर देते हैं, अच्छा रहता है। 1740 रुपये का है ये, स्टार्टर साइड फ्रंट खोलिए इसको, इसमें रिफिल आता है, पूरा सॉकर नहीं आएगा लगभग, तो नहीं आएगा ये, आपको स्प्रिंग और माउंट रबड़ आपको पुराना ही लगाना पड़ेगा आपको। देख सकते हैं कंप्लीट है एकदम, और आपको सप्लाई के लिए बता दें हम अंदर कौन सा आता है, कंपनी मोनरो की सप्लाई करती है मारुति के अंदर, पकड़ो तो इसको, इसको देखिए ये भी मोनरो ही है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं स्प्रिंग को, स्प्रिंग निकालने के लिए आपको एक शॉक एब्जॉर्बर का स्पेशल टूल्स आता है, जो इसे हम देसी भाषा में पुलर बोलते हैं, स्प्रिंग को दबाने के लिए इसे हम स्प्रिंग को लेकर दबाएंगे और फिर ये नट खोलेंगे यहाँ पे 19 नंबर की जो नट है उसके पहले खोल देंगे तो ये स्प्रिंग निकल जाएगी बाहर और हमें इंजरीज भी हो सकता है, चोट लग सकती है। तो चलिए हम इसे खोलते हैं, तो देख सकते हैं ये स्पेशल टूल्स सॉकर चेंज करने के लिए ही होता है, जिसे हम इस प्रकार से लॉक कर देते हैं यहाँ पे ऐसे, और दूसरा नेश को इसमें लगा देंगे। चलिए इसमें लगा लेते हैं फिर आपको बताते हैं। हाँ तो मैं सॉकर को प्रेस करके दबा दिया है पूरा टाइट करके, और नट भी खोल दिए हैं 19 नंबर की, और आप निकालते समय दिखा दें ये माउंट है। अरे यार ये तो क्या, पूरा स्प्रिंग जम्पर तो सब टूट गए हैं, बैरिंग भी देख सकते हैं आप, बैरिंग भी टूट चुकी है ये, बैरिंग ये हमें नवी डालनी पड़ेगी इसमें, ऐसी कंडीशन में निकली है। सब कचरे की हवा निकल रही है, देख सकते हैं निकालिए स्प्रिंग निकाली पूरा। अच्छा थोड़ा आगे निकालो, हाँ निकलेगा, ऊपर ऊपर उठाओ, पूरा पूरा निकलेगा। हाँ तो एक देख सकते हैं आप जंपर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसे हम स्प्रिंग लगा दिए हैं जो कि नया सो करता, और दूसरा ये रहा पकड़ो, ये जो निकला है इसे ऊपर उठाओ, तो उठ रहा है, इसकी हालत देख सकते हैं आप, जो कि बिल्कुल प्रेस नहीं कर रहा है, ये क्या गाड़ी उठाएगा आपकी। तो चलिए इसे हम फिट कर लेते हैं इसे, और फिट करने का मेथड तो आपको पता ही है, जैसे खोले तो उससे आप फिट कर देंगे, यहाँ दो बोल्ट लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे, इधर लगा देंगे, फिट हो जाएगा। तो चलिए हम फिट करते फिर आपको ऐसा दिखा भी देंगे। बोल्ट उधर से लगाओ, उस साइड से नहीं, जैसे उधर से लगाइए,
अब तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गई है, फिटिंग कर दिया, अब टायर लगाएंगे हम। अब तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गई गाड़ी है, टायर भी लग गया हमारे। और ज़रूर बताएगा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।